नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और अभी तक मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि बैंक अकाउंट के फ्रॉड से रिलेटेड है, फेक कॉल के फ्रॉड से रिलेटेड है, आपकी बैंक की सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए मैंने बनाई हैं। तो आज मैं ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करूंगी जो कि इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर आपके भी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉड होता है तो ऑनलाइन आप साइबर पुलिस को कैसे FIR रजिस्टर करा सकते हैं। जितनी भी फ्रॉड रिलेटेड वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं, वहां पे हमेशा मैंने यही बताया है कि सबसे पहले आप अपने बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर कराएं। जैसे ही ऐसा कुछ फ्रॉड आपके साथ होता है, कंप्लेन नंबर लेना ना भूलें। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पुलिस में आपने कंप्लेन करनी होती है और पुलिस ही उस कंप्लेन को आगे साइबर पुलिस को फॉरवर्ड करती है। तो ये काम पुलिस का होता है कि वो साइबर पुलिस को उस कंप्लेन को फॉरवर्ड करे, ना कि आपका। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है या फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी। ऐसा कोई भी साइबर क्राइम उस वेबसाइट पे रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके, मीन्स अपनी डिटेल्स, अपना नाम, मोबाइल नंबर डिस्क्लोज करके, या फिर बिना अपनी पहचान बताए भी आप समाज में हो रहा कोई भी ऐसा साइबर क्राइम या कोई भी ऐसी घटना जो कि आपको रिपोर्ट करनी चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, वो आप इस वेबसाइट पे रिपोर्ट कर पाएंगे। ये वेबसाइट है cybercrime.gov.in। तो ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी ऐसा कोई कंटेंट है जो कि किसी चाइल्ड रेप, गैंग रेप या फिर सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है, तो भी आप इसी वेबसाइट पर रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा मोबाइल क्राइम है, लाइक बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली जाती हैं जो कि सिर्फ लोगों का पैसा लेने के लिए होती हैं। ऑनलाइन ऐसा कोई क्राइम है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा आप देख रहे हैं जो कि शायद आपसे रिलेटेड नहीं है लेकिन सोसाइटी के लिए वो एक तरह का खतरा है, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप इन सारे क्राइम्स को इस वेबसाइट पर रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा बैंक अकाउंट फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या किसी भी तरीके का पैसे से रिलेटेड फ्रॉड, चाहे वो ईमेल की वजह से हुआ है, एसएमएस की वजह से हुआ है, आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ है, जिस पर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, तो वो सब आप इस वेबसाइट पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे क्राइम लाइक ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, रेप, गैंग रेप, ऐसी कोई भी इंसिडेंट या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक पे ऐसा कोई कंटेंट है जो कि किसी लड़की से, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है या इवन किसी मेल मेंबर से भी रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए। लेकिन हाँ, याद रखिए, इस केस में आप उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे रिपोर्ट करते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो डिटेल्स आप देते हैं वो बिल्कुल ठीक हो। अगर आप कुछ गलत डिटेल देते हैं तो हो सकता है कि वो जो कंप्लेन है वो रिजोल्व ही ना हो। लोकेशन वहीं की डाले जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। जब आप इस वेबसाइट पे रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद ये सारी कंप्लेन स्टेट्स में डिवाइड होती हैं, तो उन स्टेट्स में जो पर्टिकुलर जो साइबर पुलिस है वही आगे इसको इन्वेस्टिगेट करती है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई फाइनेंशियल फ्रॉड जो कि किसी वेबसाइट से हुआ है और आपको लोकेशन का नाम नहीं पता है, तो आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं, मीन जहां पे आप रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है, लाइक अगर आप दिल्ली रहते हैं लेकिन ऐसा कुछ मुंबई में हुआ है, तो आप वहां की लोकेशन डालिए जहां पे ये सब हो रहा है। अब ये स्क्रीन पे मैंने पूरी लिस्ट दी है जो कि एज अ प्रूफ या एविडेंस कंसिडर होंगे। तो ऐसा कोई भी लिंक, वेबसाइट का एड्रेस या फिर कुछ भी ऐसा जिसके थ्रू आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वो सब आप शेयर कर सकते हैं ताकि ये ऐसे साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड्स प्रॉपरली फॉलो अप किए जा सके। आपके बैंक से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स और उनके नए इंटरेस्ट रेट्स, डिफेंस फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़ी हुई ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बेल आइकन, घंटी का निशान आएगा, उस पे क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहाँ से शेयर करें।
रिपोर्ट एनोनिमसली, तो यहाँ पे आपको अपनी पहचान डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ऐसा क्राइम या साइबर क्राइम लाइक रेप है या फिर किसी बच्चे से रिलेटेड कुछ भी ऐसा जो आपको बोदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि आप इसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको ये दूसरा ऑप्शन चूज करना होगा, रिपोर्ट एंड ट्रैक। तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल लाइक अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज करते हो। तो अगर आप रियली कंसर्न्ड हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली रिजोल्व हो या किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो वो प्रॉपरली देखा जाए या इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो उसमें आप रिपोर्ट एंड ट्रैक में जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता बट मैं इसके अगेंस्ट आवाज उठाना चाहता हूँ, तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ आपको लॉगिन डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, लॉगिन बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है कंप्लेन एंड इंसिडेंट की डिटेल्स आप डालते हैं, उसके बाद सस्पेक्ट की डिटेल कि आपको किस पे शक है उसकी डिटेल्स आप डालते हैं, देन प्रीव्यू एंड सबमिट। जो स्टार मार्क्ड है ये मैंडेटरी कॉलम्स हैं, यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी ही डालनी है। तो सेव एंड नेक्स्ट करके जाएंगे, फिर सस्पेक्ट डिटेल्स एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। अब जो दूसरा है वो रिपोर्ट एंड ट्रैक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे फाइल अ कंप्लेन, आई एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिटीजन लॉगिन है ये। अगर आपने लॉगिन नहीं बनाया है तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर। ये देखिए यहाँ से स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी लॉगिन आईडी आप अपनी चूज कर सकते हैं, अपने जो भी आपको ठीक लगे याद रहे। मोबाइल नंबर आपने डालना है, ओटीपी डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे है, साथ में ये प्लस करके जो बनता है यहाँ पे डालना है। आईडी भूल जाते हैं तो यहाँ से फॉरगॉट लॉगिन आईडी पे क्लिक कर सकते हैं, देन उसके बाद सबमिट। अब ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे जो फील आप फिल कर चुके थे वो सब ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर आप ये लॉगिन आईडी बना रहे हैं तो आप अपने डिटेल्स डिस्क्लोज करके ही कोई कंप्लेन इसमें डालेंगे, अदरवाइज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ विदाउट आइडेंटिटी या पहचान डिस्क्लोज किए आप बाहर से ही यहाँ से कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, आपको लॉगिन आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप जो ईयर है उसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट करेंगे उसके बाद अपडेट, तो ये डिटेल्स सेव हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर सकती हूँ या फिर रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम में जा सकती हूँ। तो मैं नेक्स्ट करके दिखाती हूँ, मेन कैटेगरी ऑफ कंप्लेन है, उसके बाद सब कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, देन सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट। तो यहाँ से सस्पेक्ट की डिटेल, कंप्लेनेंट की डिटेल और प्रीव्यू एंड सबमिट। तो ये जो कंप्लेन नंबर होगा इसका एक एसएमएस आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा, बिकॉज आपने ये वेरीफाई किया ओटीपी के थ्रू, आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक करना चाहेंगे तो रिपोर्ट वेमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम में जाते हैं, अगर आपने वेमेन या चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम को रिपोर्ट किया है, अदरवाइज रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम में। तो यहाँ पे आपने जाना है फाइल अ कंप्लेन में आप जाएंगे, देन आई एक्सेप्ट। तो सिटीजन लॉगिन ऑलरेडी हम बना चुके हैं यहाँ से, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो अगेन आई एम टेलिंग यू यहाँ से आप जा सकते हैं, और लॉगिन आईडी आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिटीजन लॉगिन डिटेल्स आपको दोबारा से डालनी है जो ऑलरेडी आप बना चुके हैं। अब ये आ गया है, अब यहाँ पे आप देखिए मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं अपना। अगर आप कंप्लेन विड्रॉ करना चाहते हैं कि आपने कोई कंप्लेन डाल दी है लेकिन बाद में आपको लगता है कि मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी या मैं उसको वापिस लेना चाहता हूँ, तो याद रखिए साइबर पुलिस के पास जब ये केस आता है तो एफआईआर में कन्वर्ट होता है। तो एफआईआर में कन्वर्ट होने से पहले या आपके जो केस है उसको एफआईआर में बदलने से पहले तक ही आप अपना केस विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो ये यूजर प्रोफाइल जो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। चेक स्टेटस में आपकी जो कंप्लेंट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो कंप्लेन है वो रिपोर्ट एनोनिमसली में जाके की है जहां पे आपकी लॉगिन आईडी या आपकी डिटेल्स में नहीं चाहिए, तो वहां से आप इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिपोर्ट एंड ट्रैक में जाके आप कंप्लेन लॉज करते हैं तो ही आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और चेक स्टेटस में जाके कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप और कोई साइबर क्राइम रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपकी कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं हुआ और काफी टाइम हो गया है, स्टेटस में भी वो पेंडिंग ही आ रही है, तो ये आप वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो कॉन्टेक्ट अस का एक टैब दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सब नोडल ऑफिसर्स के नंबर्स हैं,
यहाँ पे फोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी दिया है और इनके आप रैंक भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर बहुत अर्जेंट है तो आप डायरेक्टली मोबाइल पे फोन करें, अदरवाइज आप पहले ईमेल करके भी अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। और जो कंप्लेन आपने रजिस्टर की है साइबर पोर्टल पे जाके, आप कोशिश करें कि उसी कंप्लेन को आगे प्रोसीड कराएं, बार बार कंप्लेन रजिस्टर ना कराएं। फोन करके रिपोर्ट करना है तो ये हेल्पलाइन नंबर का आप यूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई भी इंसिडेंट अगर आपके सामने आता है तो आप अपनी आवाज जरूर उठाएंगे और हेजिटेट नहीं करेंगे। आप अपने नॉन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कुलीग्स सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी बात आगे तक रख पाएं और अपनी जो समस्या है उसको हल करा पाएं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पे क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहाँ से शेयर करें।